कपूर कंपनी स्थित हिंद मजदूर सभा कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के सुरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए गए आर्टिजन इकराम हुसैन अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, लियाकत हुसैन का शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया सम्मान आर्टिजनों का ही नहीं, समस्त पीतल आर्टिजनों का सम्मान है। सरकार भी हर संभव सहायता पीतल मजदूरों को करवाने के लिए कर रही है। पीतल के आइटम पर हस्तशिल्पी का अवार्ड लाने वाले आर्टिजन ने अपने संबोधन में कहा, जो आइटम हम ले गए थे उनके पास, तो उन्होंने वहाँ पे उसको सिलेक्ट करा, उन्होंने कहा कि हम आपकी कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं, उसके बाद में जैसे मंदिर की घंटी होती है, दीप चाहिए उनको, चिराग चाहिए उनको, और टाइम पीस चाहिए उनको, इस किस्म की आइटम है, और उन्होंने ग्राम भाई ने भी आइटम दिखाई है अपनी, वो भी उनको पता लाए, तो उन्होंने कहा ये कागजी कार्रवाई आप इस महीने पूरी कर दें तो हम अपने अगले महीने से काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि सारे लोग जो भी क्या है, मैं समाधान बनाता हूँ, कोई फूलदान बनाते हैं, कोई अगलदान बनाते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि संघ के साथ में जुड़ के अपनी आइटम वो खुद बेचें, हमारे साथ चलें, हम उनके साथ चलें, और चलने के बाद में जो भी प्रॉफिट है उसे बीच का आदमी कोई नहीं होगा, हम अपना माल डायरेक्ट ही बेचेंगे किसी आदमी माल। सिटी चैनल संवाददाता को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महामंत्री सुधांकर रंजन त्यागी ने कहा कि पीतल मजदूर नई तकनीक को लेकर संगठित होकर काम करें तो आगे बुलंदी तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, पीतल मजदूर सभा और संबद्ध पीतल मजदूर कारखाना संगठन ने उत्तर प्रदेश शासन ने जो 16 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया है, उनको सम्मानित करने के लिए आज इस आयोजन का काम किया था। इसमें अब्रार हुसैन, इकराम हुसैन, लियाकत हुसैन साहब को सम्मानित किया, और केवल इन तीन साथियों को सम्मानित नहीं किया, हम तो कहेंगे इससे पूरे मुरादाबाद के आर्टिजन सम्मानित हुए हैं। और भी संदेश देना चाहते हैं इस सम्मान के माध्यम से कि अब तमाम सुविधाएं संगठन ने, शासन ने उपलब्ध कराने का काम किया है। हमारे सभी आर्टिजन साथी संगठित होकर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने हालात अधिक से अधिक सामान्य हैं। इस मौके पर आरिफ हुसैन, दिलशाद हुसैन, अनवार हुसैन, जियाउर रहमान, अकबर अली, कुलदीप भागी, मशकूर आलम सहित भारी संख्या में हिंद मजदूर सभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।